वेलकम टू सो बिजनेस आइडियाज। मैं विकास। आज हम लोग ईंट भट्टा, जिसको कि चिमनी बोलते हैं, उसका बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। को ईंट भट्टा, सबसे पहले हम लोग बात करें ईंट भट्टा क्या होता है। तो ईंट भट्टा, जिसमें हम लोग रेड ब्रिक्स, लाल ईंट का निर्माण करते हैं, उस निर्माण के जगह को हम लोग ईंट भट्टा बोलते हैं। तो आइए हम लोग जानेंगे कि इस ईंट भट्टा को करने के लिए कितने जमीन की जरूरत होती है, कितना रुपया लागत लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन सी मशीनों की जरूरत है, कितने मैन पावर चाहिए, क्या क्या परेशानी होती है और कितना पैसा हम लोग कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ईंट भट्टा कितने तरह का होता है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि जो पहले वाला फिक्स ईंट भट्टा था, उसको सरकार बंद कर दी। इसलिए बंद करवा रही है सरकार क्योंकि उसमें पॉल्यूशन ज्यादा होता था। तो अभी दो तरह का ईंट भट्टा प्रचलन में है। ईंट भट्टा में एक होता है नेचुरल ड्राफ्ट और एक होता है हाई ड्राफ्ट। ये जिगजैग ईंट भट्टे का दो टाइप है। अगर हम लोग नेचुरल ड्राफ्ट की बात करेंगे, नेचुरल ड्राफ्ट ईंट भट्टा, तो नेचुरल ड्राफ्ट ईंट भट्टा में क्या होता है कि जो हवा का खिंचाव है, जो हवा जो बाहर की तरफ फेंकता है, उसका जो खिंचाव है वो नेचुरल तरीका से होता है, कोई भी मशीन के द्वारा नहीं होता है। अब दूसरा भी जाएंगे हम लोग, वो आता है हाई ड्राफ्ट। हाई ड्राफ्ट में क्या होता है, हवा का खिंचाव बाय मींस ऑफ फैन, इसको कि एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं, उसके द्वारा होता है। तो आज हम लोग हाई ड्राफ्ट ईंट भट्टा का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस ईंट भट्टा के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, क्योंकि अगर आप ये डॉक्यूमेंट पूरा नहीं कर पाएंगे तो आप शुरू ही नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि अभी शुरुआत करने के लिए आपके नजदीक में 1 किलोमीटर तक आपको कोई दूसरा ईंट भट्टा नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो एनएच है, एनएच से लगभग 800 मीटर से 1 किलोमीटर तक आप नया भट्टा नहीं कर सकते, इसके बाद ही कर सकते हैं। तीसरा, आपके पास कोई स्कूल नहीं होना चाहिए लगभग 500 से 800 मीटर की दूरी पर, तब आप नया ईंट भट्टा के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसमें कौन कौन सी लाइसेंस है, तो सबसे पहला तो जीएसटी है। ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है, ये पैन कार्ड और आधार कार्ड देने के बाद ये जीएसटी आसानी से मिल जाता है। जीएसटी इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें इसका बजट बहुत ज्यादा होता है, इसका टर्नओवर ज्यादा होता है, तो जीएसटी चाहिए कोयला मंगाने के लिए और मशीन सब मंगाने के लिए। अब जो मेन है वो है खनन का लाइसेंस ईंट भट्टा के लिए। मिट्टी से ईंट बनता है तो आपको मिट्टी चाहिए, मिट्टी के लिए आपको खनन का लाइसेंस लेना होगा। ये जिस भी जिला में आपको करना है, जिला में खनन का कार्यालय होता है, वहां से आपको लगभग इसमें टोटल कॉस्टिंग 1.5 लाख रुपया तक आता है, तब जाके आपको 1 साल के लिए ये लाइसेंस मिलता है। दूसरा जो प्रोसेस है वो है पॉल्यूशन का लाइसेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइसेंस है। पॉल्यूशन लाइसेंस में दो पार्ट होता है, सीटी और सीटीओ। एक होता है चिमनी बनाने के लिए और एक होता है चिमनी रन करने के लिए। आप पहले इसका पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने का फीस है स्टेट वाइज, लेकिन अगर हम लोग बिहार की बात करें तो 15,000 रुपया। उसके बाद पॉल्यूशन वाले आपके पास आते हैं, फिर सब मुआयना करते हैं, उसके बाद आपका सीटी तैयार होता है, उसके बाद आपका सीटीओ तैयार होता है। तो मेन ये सब आपका डॉक्यूमेंट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि ईंट भट्टा में स्टार्टिंग में क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास एक अच्छा मिट्टी का स्टॉक होना चाहिए, और मिट्टी सिंगल नहीं होनी चाहिए, केवल हार्ड मिट्टी नहीं होनी चाहिए, कुछ हार्ड मिट्टी होना चाहिए, कुछ नॉर्मल मिट्टी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिंगल केवल हार्ड करेंगे तो भी परेशानी है, अगर सिंगल केवल नॉर्मल करेंगे तो भी परेशानी है। इसलिए सब तरह का मिट्टी का मिक्सचर आपके पास 3 से 4 हजार ट्रैक्टर का आपके पास स्टॉक होना चाहिए। ये आपको बरसात से पहले करना होगा। उसके बाद इसके लिए क्या क्या चाहिए, अगर आपको चिमनी ईंट भट्टा बनाना है, नया सिरा से बनाना है अगर, तो आपको क्या करना होगा, लगभग आप इसका लंबाई, जो पहले तो आपका जो हॉलो बम्मा होता है उसको बनाने में 60 से 70 हजार ईंट लगता है, या आपको 1 नंबर और मीठा भाग 1.5 नंबर जिसको ईंट बोलते हैं उससे आप इसको बनवा सकते हैं, इसमें 60-70 हजार ईंट लगता है। उसके बाद इस बम्मा का बनाने का जो मिस्त्री चार्ज है वो लगभग 2 लाख रुपया है। उसके बाद एक म्याना होता है और टोटल कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि अगर इसका इसमें कितना ईंट लगता है ये डिपेंड करता है आप इसका साइज क्या रख रहे हैं, लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करें,
आप ज्यादा राउंड चला ले, ज्यादा बड़ा करने का फायदा नहीं होता, लेकिन 200 से 250 फीट इसका आपको लंबाई रखना होगा, और चौड़ाई भी एवरेज आप 20 से लेके 30 से 32 फीट तक रख सकते हैं। आप अगर ज्यादा चौड़ा करेंगे तो ज्यादा हीट आएगा, कम चौड़ा करने के कम हीट आएगा, ये आप पे डिपेंड करता है कितना आप मैन पावर हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक लोग लगभग लेके चले कि 225 फीट लंबाई है और लगभग लगभग जो म्याना का चौड़ाई है तो 30 फीट रखते हैं, तो ये दोनों साइड से होता है, बीच में इसका डिजाइनिंग होता है जिसमें कि नाली वगैरह बनता है, और ये पूरा आपका ईटा रखने का जगह होता है। इसको बनाने के लिए इसमें लगभग आप ये मान के चलिए कि 6 दीवार होता है बाहरी साइड, आउटर में इसका 2 दीवार होता है, 2 दीवार के बीच में मिट्टी डाला होता है, तो जो दोनों दीवार जो बाहरी दीवार होता है, बाहरी दीवार नीचे से शुरू होता है वो 40 इंची, ऊपरी पोर्शन अगर इसका आप ऊंचाई मान के चलो आप 10 से 11 फीट रखते हैं तो ये नीचे से 40 इंची पे शुरू होता है और ऊपर जाकर के 20 इंची पे खत्म होता है। फिर बाहरी दीवार भी सेम प्रोसेस है 40 और 20, तो और बीच में हम लोग 1 से 1.5 फीट मिट्टी डालते हैं। फिर जो अंदर का अगर हम लोग बात करेंगे तो एक तो हॉलो जो बम्बा होता है वो हो जाता है जिससे हवा का खिंचाव होता है, उसके आगे नाला बनता है जिससे हवा खींच करके एग्जॉस्ट फैन के थ्रू ऊपर फेंकता है। ये नाला का पूरा कंस्ट्रक्शन करने में और बाहरी दीवार के कंस्ट्रक्शन करने में लगभग लगभग 8 लाख ईंट लगता है। लेकिन अगर आपको कुछ कॉस्टिंग बचाना है तो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लाख कच्चा ईंट भी लगा सकते हैं, लेकिन आप नीचे में थोड़ा पका ईंट डाल दें, बीच में कच्चा डाल दें और फिर दीवार का ऊपरी पोर्शन में पका ईंट डाल दें, लेकिन जो बाहरी दीवार है उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, उसमें 100% पका ईंट डालना होगा। तो इसमें जो 8 लाख जो ईंट लगता है आप 2 नंबर ईंट से आप बना सकते हैं। इसका भी कॉस्टिंग लगभग 40 से 45 लाख रुपए का आता है केवल ईंट ईंट का कॉस्टिंग। अब हम लोग बात करें कि ये बाहरी दीवार बनाने में मिस्त्री चार्ज कितना लगेगा, तो बम्मा का 2 लाख रुपया और ये बाहरी सारा दीवार बनाने में लगभग 4 से 5 लाख रुपया लगता है। ये अभी हम लोग का क्या हुआ कि ये कंस्ट्रक्शन बन के तैयार हो गया, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन हुआ। अब हम लोग बात करेंगे कि ये हाई ड्राफ्ट चिमनी है, इसमें जो हवा का खिंचाव है वो एग्जॉस्ट फैन के थ्रू होता है, तो एग्जॉस्ट फैन का सेटअप बम्मा के पास हम लोग रखते हैं क्योंकि म्यान से हवा को खींच के ये बम्मा के थ्रू बाहर फेंकता है, तो हम लोग उसी के बीच में इसको अटैच करते हैं। ये अपना बम्मा हो गया, ये अपना म्यान हो गया, इस पोर्शन में एक सेट लगा के हम लोग इसको सेट करते हैं। अभी जो हम लोग इसको सेट करते हैं उसमें एग्जॉस्ट फैन जो होता है वो डिपेंड करता है साइज पे इसका रेट, ये 36 इंच, 38, 40, 42, ये आपका म्यान कितना लंबा चौड़ा है इस पर डिपेंड करता है। अगर आपका 225 फीट लंबा है और 30 फीट चौड़ा है तो आपको 40 इंची का एग्जॉस्ट फैन रखना होगा। इसका केवल कीमत आता है 1,30,000 से 1,50,000। अब हम लोग बात करेंगे इसको चलाना कैसे है, तो सबसे पहले तो इसको बिजली से चलाएंगे, उसके लिए हमको मोटर चाहिए 10 से 15 HP का, वो भी 50,000 रुपये आपके आसपास में इसका कॉस्टिंग आएगा। उसके बाद जब बिजली कटती है तो बिजली जब कटेगी तो इसके लिए एक जनरेटर चाहिए, या आप 1 सिलेंडर का एक इंजन भी रख सकते हैं, उसका भी कीमत लगभग लगभग 1.25 लाख रुपये आता है। और बिजली चलाने के लिए भी आपको अपना एक स्पेशल ट्रांसफार्मर रखना होगा, तो ये अपना चिमनी बन के तैयार हो गया। ये सब चिमनी के केवल कंस्ट्रक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जब इसमें हम ईंट डालेंगे उसको पकाने के लिए और कुछ मशीनरी की जरूरत होती है। उसमें लोहा का सरफोर्स होता है, वो भी लगभग लगभग 1 लाख रुपया का आता है। कंटेनर होता है जो हवा को चेंबर वाइज में अलग अलग चेंबर में हवा का खिंचाव करने के लिए कंटेनर का यूज होता है, तो ये सारा आपका कंस्ट्रक्शन में लगता है। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन के पड़े कच्चा ईंट बनाने में कौन कौन सी चीज की जरूरत है, कितना जमीन लगेगा, इस पे बात करते हैं। अगर आप एक अच्छा चिमनी बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 8 से 10 एकड़ जमीन चाहिए, क्योंकि एक सप्ताह में आप अगर 2.5 लाख कच्चा ईंट बनाते हैं तो महीना का 10 लाख कच्चा ईंट बनाना होगा, इसके लिए आपको 8 से 10 एकड़ जमीन चाहिए। तो सबसे पहला जो इसका प्रोसेस है कि आपको जो जिस साइज का, जिस डिजाइन का या जिस नाम का आपको बनाना है उसका फर्मा बनाना होगा, वो भी 100-150 पीस आपको फर्मा लगता है, उसका भी कीमत फर्मा का कीमत 300 रुपया से लेकर के लगभग 450 रुपया तक आता है। उसके बाद आपको 50 से 60 पथाई वाले टीम को रखने पड़ेंगे। उसके बाद अभी समय पगमेल मशीन का आ गया है, क्योंकि आप पहले बहुत पहले क्या होता था कि हम लोग
लेबर खुद ही बना देते, लेकिन अभी पगमेल मशीन के थ्रू था। पगमेल मशीन भी बहुत तरह का होता है, लेकिन जो सबसे अच्छी वाली पगमेल मशीन है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। उसमें क्या होता है कि मिट्टी रात में फूल जाता है और सुबह में जेसीबी के थ्रू उस पगमेल मशीन में हम लोग मिट्टी को डालते हैं और वो मशीन जो जहाँ पे ईंट बनना है वहाँ पे जाके वो एक गारा तैयार हो जाता है और फिर बाद में लेबर बनाता है। उस पगमेल मशीन का कीमत लगभग 3 लाख रुपए आता है। तो ये आपको अगर दो मशीन रख ले तो ज्यादा बेहतर है, एक रख ले तो काम चल जाएगा। इसके लिए आपको एक पगमेल के लिए एक ट्रैक्टर, दूसरे पगमेल के लिए दो ट्रैक्टर रखने होंगे। एक जेसीबी मस्ट है, बिना जेसीबी क्या अब आज के समय में अच्छा चम्मी नहीं चला सकते। जेसीबी ही मिट्टी देता है, सब कुछ करता है, राविश डालता है। तो सबसे पहले तो आपको दो पगमेल मशीन, दो ट्रैक्टर और एक जेसीबी। तो आप ये इसका क्वेश्चन तो आप लोगों को पता ही है कि पगमेल मशीन 3-3 लाख रुपया, ट्रैक्टर 6-7 लाख रुपया और जेसीबी 30-35 लाख रुपया लगता है। ये आपको आसानी से लोन पे मिल जाता है, थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट देना पड़ता है। और इसके बाद जो प्रोसेस होता है आपको चिमनी में, तो आपको एक कोयला फोड़ने वाला मशीन की जरूरत होती है मशीन में, क्योंकि कोयला हाई ड्राफ्ट में क्या होता है कि कोयला हम लोग के पास स्टीम आता है या मीडियम साइज का आता है, बड़ा साइज का आता है तो उसमें क्या होता है कोयला को फोड़ना होता है, हम लोग को स्मॉल स्मॉल कोयला का पार्टिकल चाहिए। तो आपको कोयला फोड़ने वाला मशीन वो 75,000 से लेकर के आपको 1,25,000 के बीच में आपको मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद आपको ईट निकासी के लिए, जब पक्का ईट बन के तैयार होता है उसके निकासी के लिए भी 20-25 रेरी की जरूरत पड़ती है। उसका बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं होता है, लेकिन आप मान के चलिए क्या कि 60-70 हज़ार रुपया में वो आपको आ जाता है। बाद में आपको जब ईट का निकासी होगा पक्का ईट बेचने के लिए भी दो ट्रैक्टर और ट्रॉली की जरूरत पड़ती है, उसका भी लगभग ट्रैक्टर ट्रॉली 7-7.5 लाख में मिलता है, वो भी आपको लोन पे इजिली अवेलेबल हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे मिट्टी का स्टॉक करने के लिए, इसको बनाने में ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे तो लगभग ये मान के चलिए आप कि 1-1.25 करोड़ रुपया इसको बनाने में और रनिंग करने में लागत है। और इसमें मेन कोयला होता है, कोयला भी आपको कम से कम एक महीने का कोयला का भी खपत आप मान के चलिए 150 टन के आसपास होता है, तो वो आपको पहले स्टॉक में होना चाहिए। 150 टन मतलब 20-25 लाख रुपया का कोयला आपको स्टार्टिंग में लगता है। तो टोटल आपको 1.25 करोड़ मान के चलिए आपका कि टोटल कॉस्टिंग है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से चला लेते हैं तो लगभग 2-3 लाख रुपया महीना आप आसानी से कमा सकते हैं। अब हम लोग मैन पावर की बात करेंगे, कितना मैन पावर चाहिए, 50-60 लोग तो इसको पढ़ाई के लिए चाहिए कच्चा ईटा बनाने के लिए। कच्चा ईटा सूखने के बाद ये म्यान में आता है, उसके लिए 20-25 या तो आप साइकिल वाला रख सकते हैं, ट्रॉली से खींच सकते हैं, टेम्पू से कर सकते हैं, घोड़ा गाड़ी से कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल 20-25 लोग इसमें लगते हैं इस पूरे सिस्टम को चलाने में। उसके बाद ईट कच्चा ईट रखने के बाद उसके ऊपर राविश डालना होता है। राविश डालने के लिए आप मान के चलिएगा कि 4-5 लोग लगते हैं। राविश डालने के बाद फायरिंग का प्रोसेस होता है, फायरिंग में 7 लोग की टीम होती है जो कि 2 लोग एक एक शिफ्ट 8-8 घंटे का शिफ्ट बना के काम करते हैं और एक उसका सुपरवाइजर होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कोयला ढोने के लिए, उसमें 2-3 लोग का टीम होता है जो कि 24 घंटा में 2 या 3 टाइम कोयला देता है। उसके बाद पक्का ईट निकालना होता है, निकालने के लिए भी आप मान के चलिए 15-20 लोग चाहिए। उसके बाद आपके ऑफिस कंट्रोल करने के लिए ऑफिस मैनेजर, फिर बहुत सारा मुंशी, ट्रैक्टर ड्राइवर, ये सब के हिसाब से आप मान के चलिए कि 150 लोग के आसपास आपको मैन पावर की जरूरत होती है जो अलग अलग जगह। तो ज्यादा मैन पावर होने के कारण और ज्यादातर लोग इसमें नॉन स्किल है तो आपको थोड़ा सा परेशानी इसका इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है और कॉस्टिंग पे ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं बर्बाद नहीं हो रहा है। तो ये पूरा चिमनी बनाने का एक पूरा प्रोसेस है, कितना लागत लगेगा इसका प्रोसेस है। अगर इसको आप ढंग से करते हैं तो अच्छा खासा इसमें आप इनकम कर सकते हैं और इम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। अगर इस चिमनी को बनाने में या कोई प्रोसेस में कोई भी तरह का परेशानी हो तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।